राइट साइड में आप गाड़ी को मोड़ेंगे तो देखिए ये लाइट इधर का भी जल जाएगा। अगर हम पीछे प्रोफाइल में आप देखेंगे तो इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है, लेकिन स्पोर्टी और अच्छा लुक बनाने के लिए कंपनी ने मेहनत बहुत ज़्यादा किया इस गाड़ी के ऊपर। कहना ये है कि ये जो गाड़ी है ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 110 सीसी की हम बात, नए यूथ हैं जब लड़के हैं पढ़ने वाले चाहे जो भी लोग हैं उनको ध्यान में रख के सारी डिजाइनिंग की गई है। इससे पहले भी इस गाड़ी का रिव्यू आ चुका है, लेकिन मैं वो सब सारी चीज़ें बताऊँगा जो लोगों को लोग बताना छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो इस गाड़ी में जो सबसे यूनिक सा फीचर आया जो अभी तक किसी स्कूटी में नहीं आया है वो हीरो ने लॉन्च किया है, कॉर्नरिंग लाइट वाला सिस्टम। अगर आप पहाड़ों में चाहे किसी मड एरिया में चाहे किसी बेकार से रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप जैसे ही अपना हैंडल को टर्न करेंगे, आप देखिए ये देखिए देखिए आपको ये कॉर्नर वाली लाइट जल गई होगी। इस साइड जाएंगे, अगर राइट साइड में जाते हैं, अगर राइट साइड में आप गाड़ी को मोड़ेंगे तो देखिए ये लाइट इधर का भी जल जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी ख़राब रोड पे भी हैं तो आराम से इससे चले जाएंगे, आराम से जो है मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और इसको मुझे 100% श्योर है कि और भी गाड़ियाँ अभी जो कंपनी की गाड़ियाँ हैं वो इसको कॉपी करने वाली हैं और कॉपी करके अपने में लगाने वाली हैं। इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, सामने की बात करें तो आपको सामने सबसे ऊपर वाइजर वगैरह दिख जाएगा। ये हमारी जो गाड़ी है रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन डुअल टोन वाली है, इसमें कहीं ना कहीं 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 ग्रे का भी फिनिशिंग दिया गया है। तो सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर आपको ये दिख जाएगा, पूरे गाड़ी में जो है एक एजी सा डिज़ाइन दिया गया है। होते हैं एरोडायनामिक्स जो गाड़ियों में होती हैं उससे क्या होता है थोड़ा स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब चीज़ें और थोड़ा सा क्लासी लुक इस गाड़ी को बनाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे टर्न इंडिकेटर दोनों साइड दिया गया है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ दिया गया है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो नीचे भी आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, प्लास्टिक है। यहाँ पे हीरो का लोगो दिख जाएगा और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट। अगर उसके बाद अगर हम हेडलैम्प सेटअप की बात करें जो दोनों लाइटें होती हैं लो बीम और हाई बीम के लिए दे रखा है, और यहाँ पर ये DRL दे रखा है। DRL आप देखेंगे अभी तो थोड़ा डे का टाइम है तो दिख नहीं रहा है, और जो DRL है ये बिल्कुल मतलब एक अलग ही साइड डिजाइन है। आप देखेंगे एच शेप में आपको दिख रहा है, तो हीरो जो है अपने DRL से भी अपने गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे एच साइज का डिज़ाइन है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसकी मडगार्ड की बात करें तो अभी आप देखेंगे मडगार्ड जो है मडगार्ड के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जूम लिखा हुआ है। इसके बगल में है जो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया जो काफ़ी स्पोर्टी। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये टायर जो है 12 इंच का है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेक भी दिया गया है। यहाँ पर आप कॉर्निंग लाइट का सिस्टम दिया गया है जो कि मैं इसके बारे में बताया ही हूँ। अगर हम इसकी साइड व्यू की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पैर रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस, पैर रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच रहा है इसमें। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसियस इस गाड़ी को काफ़ी बनाया गया है। दोनों साइड आप देखेंगे यहाँ पे गैप दिया गया है, यहाँ पे भी गैप, स्पेसियस ही काफ़ी अच्छी खासी है। साथ साथ में आप इसके नीचे देखेंगे USB पोर्ट दिया गया है। USB पोर्ट में आराम से अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी चार्जिंग में लगाइए और इसमें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो की के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल सा की है, उसमें थोड़ा सा ऊपर सा हीरो ने अपना डिजाइनिंग कर रखा है, बाकी की तो यही है। अगर इसके पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे जूम लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, जूम एक्सटेक लिखा। और ये जो आपको सामने स्कूटी दिख रही है ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, ये ZX वाली वेरिएंट है। अगर हम सीट कुशनिंग की बात करें सीट भी काफ़ी अच्छा खासा कुशनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्प्लिट सीट है। और फुट रेस्ट की बात करें आप फुट रेस्ट देख लीजिए, ये देखिए मतलब रफ सा बनाया गया ताकि पैर और रखने के लिए आसानी से रहेगा। मतलब हर चीज़ में इस कंपनी ने हर चीज़ में इस चीज़ को ध्यान रखा है कि कहीं भी कस्टमर को पैसा दे रही है तो चीज़ें लगाने के लिए दे रही है। अगर हम आप देखेंगे कि अगर इसमें स्पेस की बात करें यहाँ पर देखेंगे अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जा रहा है, और यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगा। स्पेस इसमें इतना है कि आप हेलमेट रखने के बाद में थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हैं। फ्यूल कैप भी यहाँ पे अंदर ही दिया गया है, इसके साथ ही दिया गया है। ये नीचे जो है आपका इंजन दिया गया है, इंजन जो है ये प्रोड्यूस करता है 8.1 PS की पावर जनरेट करता है और 8.7 NM का टॉर्क जनरेट करता है। ये जो छोटा सा इंजन है आप 110 cc का इतना टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पीछे आगे टायर था 12 इंच का, साथ साथ में पीछे भी दे रखा है। आगे और पीछे का टायर का जो प्रोफाइल होता है वो अलग अलग होता है, आगे का बड़ा है पीछे छोटा रहता है, लेकिन इसमें दोनों साइड में 12-12 इंच के टायर दे रखे हैं।
अगर हम इसके अलॉय व्हील की बात करें तो अलॉय व्हील आपको देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। बिल्कुल डायमंड कट अलॉय व्हील है जो कि आजकल टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, कार वगैरह में आ रहा है, वो चीज़ कंपनी ने दिया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को यूनिक बना। अगर हम पीछे प्रोफाइल में देखेंगे तो इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है, लेकिन स्पोर्टी और अच्छा लुक बनाने के लिए कंपनी ने मेहनत बहुत ज़्यादा किया है इस गाड़ी के ऊपर। सॉकर की अगर हम बात करते हैं तो टेलीस्कोपिक जो है सॉकर दिया गया है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसमें लैंप देखें, बैक लैंप जो है इसका ये देखिए, ये भी LED में दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब दिन में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो रात में और बढ़िया दिखने वाला ही है। अब देखेंगे कि इसमें भी कंपनी ने अपना H वाला जो लोगो है वो दिया है और जो देखने में इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। और साथ में अगर हम इसके यहाँ पे साइलेंसर दिया गया है, साइलेंसर जो है मतलब देखने में छोटा है लेकिन तो ये जो गार्ड होता है वो कंपनी ने लगा दिया, जिसकी वजह से देखने काफ़ी हैवी लुक आ रहा है। ये देख रहे हैं हर जगह कंपनी ने अच्छा खासा ध्यान दिया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको इंजन ऑयल वगैरह होता है वो चेक करने के लिए बड़ा सा यहाँ पे सिस्टम दे रखा है। इंजन फैन दिख जाएगा। अगर हम इसकी डिजिटल कंसोल की बात कर लेते हैं तो हाई बीम और लो बीम करने के लिए यहाँ पे बटन स्विचेज वगैरह दे रखे हैं। साथ में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के लिए दे रखा है, यहाँ पे जो है ऑन दे रखा है। बाद इसके बगल में देखें I3S का बटन दे रखा है इंजन स्टॉप के लिए, और यहाँ पे सेल्फ दे रखा है। डिजिटल कंसोल की बात करें तो इसमें आप देखेंगे सारा कुछ कनेक्टिविटी दे रखा है, ब्लूटूथ वगैरह से सारा कुछ आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू हीरो और इसमें टाइमिंग वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूल लेट वगैरह है और यहाँ पे आपको किलोमीटर दिख जाएगा, क्या मतलब ट्रिप का जो मीटर होता है वो दिख जाएगा। साथ साथ में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी दिख, इसमें कॉल अलर्ट SMS वगैरह भी सारा कुछ इसमें दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है ट्रिप सेट। इसमें जो एवरेज मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, जितना आपको गाड़ी में चलेगी वो रियल टाइम में ये गाड़ी आपको बता देगी। साथ में आप मोड चेंज कर सकते हैं। अगर हम माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है इस पे 60+ माइलेज का। जो ये स्कूटी है तीन वेरिएंट में आती है और सामने जो दिख रही है टॉप ऑफ द लाइन है, ZX वेरिएंट है। और ये तीनों जो वेरिएंट है, जो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी हम खड़े हैं देवरिया में गणपति ऑटोमोबाइल्स में, यहाँ पे ऑन रोड पड़ जाती है जो तीनों वेरिएंट का 86,000 से लेके 95,900 के बीच में ये गाड़ियाँ आ जाती हैं। अभी ये टॉप ऑफ द लाइन है जो कि 95,900 में आएगी, काफ़ी अच्छी स्कूटी है। अगर आप कभी स्कूटी लेने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक बार देवरिया गणपति पे आइए, और यहाँ पे भैया का मैं नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ डाल दूंगा तो इनसे एक बार मिलिए।